लवर्स, वेलकम टू अम्मी का खजाना। आज हम बनाएंगे मैंगो डिलाइट। उससे पहले आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। अब आइए बनाना शुरू करते हैं। अब हम उसके लिए सबसे पहले दो आम को हम सबसे पहले इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। एक आम हम रखेंगे गार्निश के लिए और हमें चाहिए वनीला एसेंस, फ्रेश क्रीम, एक कप शुगर, हाफ लीटर दूध, कॉर्नफ्लोर। सबसे पहले हम मैंगो को काट कर इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। ये देखिए, मैंगो को छील कर हमने इसके सारे पल्प निकाल लिए। अब इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। प्यूरी मैंने बना लिया है, अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। दूध को बॉयल करने के लिए हमने रख दिया है। अब ये दूध हमारा जब बॉयल होने लग जाएगा तब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर के लिए हम थोड़ा सा ठंडा दूध बचा लेंगे और इसी से हम इसे घोल लेंगे। जब दूध में बॉयल आ जाएगा तब इसे हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, दूध में बॉयल आ गया है। अब हम इसी में शुगर डाल देंगे। शुगर डालकर इसे हम 2 मिनट तक चलाएंगे। इसे चलाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इसे इसी तरीके से चलाकर एक हाथ से डालते जाएंगे और ऐसे चलाते जाएंगे, वरना इसमें लम्स पड़ जाएगा। अब इसे हम ठीक होने तक इसे हम चलाएंगे। ये देखिए, ये हमारा थिक हो गया। इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। ये देखिए, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। दूध हमारा ठंडा हो गया है, अब इसे हम बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। अब इसमें हम वेनिला एसेंस डालेंगे। फ्रेश क्रीम, मैंगो प्यूरी, अब इसे हम अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। दो मिनट इसे हमने अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। अब इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब ये हमारा सेट हो जाएगा तो इसे हम फिर से बीट करेंगे। 2 घंटे हो गए, इसे हमने फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसे हम फिर से बीट करेंगे। दो मिनट हमने इसे अच्छी तरीके से बीट कर लिए हैं और एक काम जो हमने बचाया था वो इसका, देखिए हमने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। अब इसे हम थोड़ा सा डाल देंगे और थोड़ा हम बचा के रखेंगे गार्निश के लिए। अब इसे हम 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में डाल देंगे। 3 घंटे हो गए हैं, इसे मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसे मैं सर्व करके दिखाती हूँ। ये हमारा मैंगो डिलाइट बनकर रेडी है। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़।